हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आजाद नेचुरल फिटनेस में। देखिए, आज एक मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करता हूँ, बात करता हूँ मैं कार्डियो की। देखिए, कार्डियो करना बहुत फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये नंबर वन एक्सरसाइज है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बेस्ट हेल्थ को अचीव करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज करने से वो अपनी मसल्स को बर्न कर देंगे, उनकी मसल्स बर्न होने लग जाएंगी। देखिए, कार्डियो कभी भी आपकी मसल्स को बर्न नहीं करती है। मसल्स को बर्न करता है आपका बैड न्यूट्रिशन, क्रश डाइट। आप सही तरीके से खाना नहीं खा रहे, अपनी बॉडी को पूरे न्यूट्रिशंस नहीं दे रहे, इसीलिए कार्डियो आपको नुकसान देता है। कुछ लोग अक्सर जिम में जाते हैं, कार्डियो स्टार्ट करते हैं, कार्डियो करना चालू कर देते हैं। जी हाँ, उन्होंने कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। उनको लगता है कि बैली अभी भी वैसे ही है, कम है, या उनकी मसल्स धीरे धीरे जा रही हैं। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, उनका डाइट, उनका खाना पीना ठीक नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं। तो जो कोर है आपका, जो इस इशू को बढ़ा रहा है, उस कोर को आप ठीक करें, जो उसका मेन कॉज है उसे आप देखें। कार्डियो हमेशा हेल्पफुल है, कार्डियो कभी भी आपकी मसल्स को बर्न नहीं करेगी, तो इस बात को आप ऐसे मत देखें। कार्डियो काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, बताता हूँ मैं आपको कार्डियो किस तरह से हेल्प करती है आपकी बॉडी को। देखिए, कार्डियो हमारी मसल्स गेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सपोज आपने कोई भी पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट का वर्कआउट किया है, काफ़ी अच्छे से इंटेंसिटी के साथ आपने वर्कआउट पार्ट उसका किया है। सपोज बाइसेप्स का आप कर रहे हैं, या चेस्ट कर रहे हैं, ट्राई या बैक, जो भी आप कर रहे हैं, और उसके बाद जो उसमें स्टिफनेस आ जाती है, जो सोरनेस आ जाती है उस बॉडी में, उस पार्ट में पर्टिकुलरली, उसको अगर हम कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं बाद में अपने सेशन के अलावा, तो क्या होता है, हमारा बॉडी में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो इंक्रीज होता है। वो इंक्रीज होगा तो उस बॉडी के उस हिस्से पर भी वो ब्लड फ्लो ज़्यादा टाइम तक जाएगा, और हमारी बॉडी में ओवरऑल न्यूट्रिशन किस तरह जा रहा है, वो ब्लड के थ्रू जा रहा है। तो जब उस तरह ब्लड फ्लो वहाँ जब ज़्यादा बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली जो स्टिफनेस है, सोरनेस है, उसमें वो जल्दी रिकवर होगी बॉडी उस जगह से, और आपको एक अच्छी एक शार्प बाइसेप्स या शार्प चेस्ट आपको मिलने लग जाएगा, और इससे आपकी मसल्स गेन होने लग जाएगी। तो इसीलिए यह बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनमें हम ज़्यादा रेस्ट नहीं ले सकते हैं। अगर हम ज़्यादा उनको रेस्ट नहीं देंगे तो ही वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या फ़ायदेमंद है। तो ऐसी एक्सरसाइज में हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ है, वो एंड्योरेंस है, वही काम में आता है। तो अगर हम कार्डियो करते आ रहे हैं, तो हम उन एक्सरसाइज को, पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अच्छे से हिट कर सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जिस तरह पता आपको, कंपाउंड एक्सरसाइजेस जो हमारी मसल गेन और फैट बर्निंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, उसको भी और अच्छा बेहतर बनाने के लिए कार्डियो एक्सरसाइजेस अगर हम कर रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए ये बहुत बहुत लाभदायक रहेगा, बहुत हेल्पफुल है। तो कार्डियो गाइस, प्लीज़ इसे ज़रूर ऐड करें, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपकी हेल्थ, आपकी इनर बॉडी, आपकी जो आउटर बॉडी, दोनों में ये फ़ायदेमंद है, बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।